और ये देखिए वाटर कोच बना है, गजब का दृश्य। तो आइए और मौज मस्ती कीजिए पिकनिक स्थल का। हाय दोस्तों, जोहार झारखंडी जोहार, नमस्कार। आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि बहुत दिन बाद हम फिर से ब्लॉग बनाने जा रहे हैं और वही हम लोग तीनों दोस्त मिल के ही जा रहे हैं क्योंकि तीनों का तबीयत ख़राब था, इसलिए हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस माना जाता है, ठीक है। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे। देखिए अभी हम लोग स्टार्ट कर रही है, अभी कहाँ कौन सा प्लेस है, ये फोर लेन है मोहदा बाज़ार के सामने, एक बार दिखा दो पीछे। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे, चलिए आपको दिखाते हैं पूरा भी। हम लोग अपना सफ़र स्टार्ट कर दिए हैं, यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग, फोर लाइन की ओर से जा रहे हैं। तो इस वीडियो का लुत्फ उठाने के लिए आप इसमें बने रहिएगा, देखते हैं भाई, ए भाई ड्राइवर धीरे 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 चलाइएगा धीरे। रेल क्रॉस कर चुके हैं और इतनी तेज रफ्तार से मत चला यार, आँख से। तो हम लोग ये सुनसान रास्ते से होकर गुजर रहे हैं, अब कुछ ही पल में हम लोग पहुंचने वाले हैं और ज़्यादा यहाँ से दूर नहीं है, लगभग यहाँ से लगभग तो चार या पाँच किलोमीटर है। चलिए चलिए आगे चलते हैं, ये देखिए नज़ारा का आनंद उठाइए, नज़ारा का आनंद उठाइए। और इससे भी बयान है कि वो साइड वाला ये वाला। आप भी आइए और यहाँ पे रील बनाइए। अगर आप वाटर बूट जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको गुजरना पड़ेगा। ये देखिए सामने पहाड़, ये सामने में ही और नीचे में कॉलेज है। ये पहाड़ी इलाका आप देख सकते हैं दृश्य। पहाड़ पे भी आप लोग एक दिन वीडियो बनाएंगे चढ़ के, देख सकते हैं नज़ारा, और ज़्यादा नहीं देख सकते। साइड कहाँ लग रहा है, अब आपको नेशनल हाईवे छोड़ के यहाँ पे नीचे में वो रास्ता ही है, तो आपको जाना पड़ेगा। चलिए चलिए क्या हुआ, ये देखिए हाईवे नेशनल हाईवे के नीचे। रेल पार की नंबर साल टोल गेट लगा सर, हाँ दिल ले ले। यहाँ पे प्रकृति का न करे हरण, आओ बचाए वन और पर्यावरण, यानी सेव फॉरेस्ट। ये नौ वर्ष देख रहे हमारे सभी तो हम लोग घुस चुके हैं उनको, हाँ तो देख। तू एक पल की
कभी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं, कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में। कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से तुम्हें चाहा है। कैसे तुमको बताए दूं कि तेरी दरा है, चाहे तुमको भी चाहे तारा का लुत्फ लेना तो जरूर एक बार झुकने लगे बात आकर सुबह तक रुकने लगे, आंखों आंखों में इकरार होने लगे, बोल दो कर तुम्हें प्यार होने लगे। बता दे कैसे एक पल में ही थम सा गया, तू हाथ में हाथ जो दे गया, अगर मान के चलो भाई भाई गले अच्छा हो चलो बोकारो को मैथन डैम का। हाँ तो बनेगा ये तो देख सकते हैं आप, ये जो नज़ारा आपको हम गेटवे की तरफ दिखा रहे हैं, ठीक है। कैमरामैन गेट की तरफ दिखाइए, देखिए वो जो है ना दिख रहा है ना आपको पिलर्स छोटा छोटा, वहीं पे गेट लगा हुआ। उसे क्या होता है जब पानी यहाँ पे भर जाता तो गेट को खोला जाता, और उसके पीछे साइड में है ना पानी का निकासी द्वार है, पानी निकाला जाता। तो देखिए यहाँ नज़ारा बहुत बढ़िया है, ये तो जाहिर सी बात है सूखी लकड़ियाँ भी मिल जाएगी आपको, आग के लिए उसे दिक्कत नहीं होगा। और देखिए हम लोग करीब बहुत करीब है एक जो माउंटेन है झारखंड के, जान आप लोग को मालूम होंगे क्योंकि ये छोटा नागपुर इलाका क्या एक पहाड़ी इलाका है। तो देख सकते हैं ये माउंटेन के बहुत हम लोग करीब से होकर गुजर रहे हैं, तो ठीक है। ये बाइक में हम लोग यार खड़े हो चुके हैं पूरा, और जो ड्राइवर है वो तो पूरा अनबैलेंस की तरह चला रहे हैं।
देखिए आप लोग की एक वीडियो के लिए क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। झील के पीछे साइड नहीं, झील के किनारे में एक एक पुल है, ब्रिज है, जिसमें से क्या पानी को इसमें भी रोका गया है। देखिए हल्का सा पानी रोका गया है। अरे मैया, ये तो